बताएं आपको कि ज्ञान व्यापी मामले को लेकर आज होगी कोर्ट में सुनवाई। जिला कोर्ट में दोपहर 2 बजे से सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी और जिला जज डॉक्टर ए के विश्वेश कर रखे हैं मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की ओर से 32 बिंदुओं पर दलील हो चुकी है और आज भी मुस्लिम पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे। ये एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि आज का दिन ज्ञान व्यापी मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। शिव की ज्ञानवापी आखिरी मुहर बाकी, कोर्ट की मुहर से निकलेगी मंदिर की राह। श्रृंगार गौरी होंगी आजाद, नफरती होंगे बर्बाद। कुल 1 महीने 3 दिन बाद आज वो मौका फिर आ गया जब न्याय को लेकर सनातन की उम्मीदें फिर हिलोरे ले रही हैं। आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में 5 महिलाओं की ओर से दाखिल याचिका पर वाराणसी के जिला जज ए के विश्वास की अदालत में सुनवाई आगे बढ़ेगी। सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होगी। अदालत को सबसे पहले फैसला करना है कि ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत क्या ज्ञानवापी का मुकदमा चल सकता है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी का केस जिला जज वाराणसी के पास ट्रांसफर हुआ था। इस सुनवाई में मस्जिद पक्ष के वकील आज अपनी बात रखेंगे। जिला जज ज्ञानवापी वीडियो लीक केस का भी संज्ञान ले सकते हैं। 30 मई को हुई पिछली सुनवाई में कुल 52 बिंदुओं में से मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने 32 बिंदुओं तक ही अपनी दलीलें रखी थी। आज उसके आगे के बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे। फिर अदालत हिंदू पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनेगा, जिसके बाद दोनों पक्ष अपनी अपनी आपत्ति भी दर्ज करेंगे। यानी ये प्रकरण फिलहाल कुछ लंबा चल सकता है, लेकिन कोर्ट की तारीखों के बीच मामले को सुलगाने में मजहबी सियासत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, आप दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखना, अब हम तुम्हारी इन बातों का भरोसा नहीं करने वाले कि हम बचाएंगे। नहीं, तुम नहीं बचाओगे, अब हम बचाएंगे अपने मसाजिद को, अपनी तहजीब को इंशाअल्लाह। ऐसी तहरीरों से जिस तरह कट्टर पंथियों को हवा दी गई, उसका अंजाम रहा कि सनातन की आस्था पर लगातार चोट की गई। अदालत के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के करवाए गए वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण में हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजूखाने में एक शिवलिंग मिलने का दावा किया, लेकिन हिंदू पक्ष ज्ञानवापी के वजूखाने में मिली जिस आकृति को शिवलिंग बताता रहा, मुस्लिम पक्ष ने उसे फव्वारा बताकर कई बार अपमान की हदें भी पार की। जिस तरह से ये मुकदमा रजिस्टर किया गया, ये अपने आप में एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ पर पब्लिक सूट होता है वहाँ पर ऑर्डर 1 रूल 8 CPC में वो दावा दाखिल होता है, मुकदमा दाखिल होता है, वहाँ कोर्ट से परमिशन ली जाती है। जो ये फव्वारा कह रहे हैं उसको एक्चुअली डैमेज किया है इन्होंने, और फव्वारे में 63 सेंटीमीटर का जो छेद पाया गया, जो एडवोकेट कमिश्नर साहब ने भी कहा है, वो छेद इन्हीं लोगों ने किया है। एक बार जब मेंटेनेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी तो ये बात भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अभी कब डैमेज किया गया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि पिछले 30-40 सालों से ये सारी चीजें जब से ये कब्जे में है ये इन्हीं के कब्जे में रहा है। 30 मई को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के कुछ वीडियो वायरल हुए थे, जिन्हें लेकर आरोप प्रत्यारोप का माहौल भी गर्म रहा। इधर मूल मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी केस की सुनवाई 1991 के पूजा स्थल विधेयक का उल्लंघन है, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि पहले ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तो तय हो, उसके बाद इस पर कुछ फैसला हो सकता है, जिसमें उन्हें सर्वेक्षण के दौरान मिले सबूतों से बड़ी उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जयपाल हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं का रुख लेते हैं। जयपाल, ज्ञानव्यापी मामले को लेकर आज भी कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, आज का दिन कितना अहम? देखिए, बिल्कुल आज काशीवासियों के लिए और साथ ही देशवासियों के लिए भी बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज ज्ञानवापी मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी। 30 मई को कोर्ट के आदेश के बाद जो है ये मामला 4 जुलाई को तय किया गया था, क्योंकि ग्रीष्मकालीन छुट्टियां थी, तो इसके 1 महीने 3 दिन बाद ये पूरा जो न्यायालय है वो खुल रहा है और उस पर आज सुनवाई शुरू हो रही है। सुनवाई इस बात को लेकर है कि क्या इस केस की मेरिट बरकरार रहेगी या नहीं,
यह केस सुनने लायक भी है या नहीं। मुस्लिम पक्ष ने जब 30 मई को अपनी दलीलें पेश की थी तो तकरीबन 3 घंटे तक अपनी दलीलें रखी थी और उसमें 52 बिंदुओं में से तकरीबन 32 बिंदुओं पर दलीलें पेश की थी। आज फिर से मुस्लिम पक्ष के वकील को मौका मिलेगा दलीलें पेश करने के लिए। हालांकि हिंदू पक्ष चाहता है कि उसकी भी दलीलें सुनी जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज जो है पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष को ही समय मिलेगा दलीलें पेश करने के लिए। और सबसे अहम बात जो सुरक्षा के लिहाज से कि आज चूंकि केस की सुनवाई है, ऐसे में सभी जिलों में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस और पीएससी के जवान तैनात किए जा रहे हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 जुलाई को काशी आगमन भी है, ऐसे में इस दोनों चीजों को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सुरक्षा को लेकर बेहद चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि ज्ञानवापी जिसकी सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू होगी, दोनों पक्षों के लोग जो है अपनी रणनीति तय कर चुके हैं। हिंदू पक्ष के वकील और मुस्लिम पक्ष के वकील दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे। हालांकि आज का दिन भी काफी ज्यादा अहम और खास बताया जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कोई सुनवाई आज कोर्ट में होती है। अपडेट लगातार हम तक पहुंचाते रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।